मुस्तफा बोलो बोलो सल्लल्लाहु बोलो 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 मुस्तफा बोलो बोलो सल्लल्लाहु बोलो। नसीब वालों को मिलती है इश्क की दौलत, नसीब वालों को मिलती है इश्क की दौलत, नसीब वाले मोहम्मद का नाम लेते हैं। नसीब वालों को मिलती है इश्क की दौलत, अरे नसीब वाले मोहम्मद का नाम लेते हैं। जहां ने चांद को हवा बना के रखा है, कलीम तारिक भाई बहुत मयारी शेर लिखते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, जहां ने चांद को हवा बना के रखा है मेरे नबी तो उससे खिलौने के काम लेते हैं। जहां ने चांद को हवा बना के रखा है अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे नबी तो उससे खिलौने के काम लेते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे नबी तो उससे खिलौने के काम लेते हैं। लगे हाथ जब मारूफ राही को ज्यादा मोहब्बत मिलती है, फिर वो भूल जाता है कि ये माला शादी वाला है या ये के नातिया मुशायरे वाला है। जब कंफ्यूजन के आलम में मुबतला होता है, अभी अशफाक बहराइची साहब एक जगह थे, उनके बारे में एक बात बहुत मशहूर ये थी कि अशफाक बहराइची बहुत कंजूस शायर है, लेकिन सच्ची बात उन्होंने इतना इनाम दिया कि वो गलत फहमी का इजाला खत्म हो गया, यानी वो गलत फहमी दूर हो गई। हमने एक बात कही जनाब अशफाक बहराइची साहब के बारे में कि जनाब अशफाक बहराइची साहब अल्हम्दुलिल्लाह एक बार शादी हुई थी, नई नई शादी हुई थी, समझ में गुनूद की तारीफ की, उस गुनूद को खत्म कर दिया जाए। जनाब अशफाक बहराइची साहब की शादी हुई थी और वो हनीमून के लिए दार्जिलिंग जा रहे थे, रास्ते में इत्तेफाक ये कि उनकी बीवी को प्यास लग गई, तो जनाब अशफाक बहराइची साहब से बर्जस्ता उनकी बीवी ने कहा मोहतरम प्यास लग गई है। अशफाक बहराइची साहब ने कहा अभी आगे सिल्लीगुड़ी है, मुरादाबादी बिरयानी है और उसके साथ सलाद का भी इंतजाम है। उनकी बीवी ने कहा अच्छा सलाद का भी इंतजाम मुरादाबादी बिरयानी के साथ, मेरे मुंह में पानी आ गए। तो जनाब अशफाक बहराइची ने कहा एक काम करो उसी पानी से काम चलाओ, फिर बाद में इंशाल्लाह कोई इंतजाम किया जाएगा। तो अब आपको भी अल्हम्दुलिल्लाह मुझे यही कहना है, अभी आपकी तिश्नगी पूरी नहीं हुई है, लेकिन मैं जानता हूँ कि तिश्ना लबों को कैसी तिश्नगी बुझाई जाती है, वो सारे हर्ब अल्हम्दुलिल्लाह है। अल्हम्दुलिल्लाह हजरत आमना के बारे में कौल मशहूर है, उन्होंने कहा कि ऐसा खूबसूरत बच्चा मैंने नहीं देखा। इसी बीच हजरत हलीमा आती है, आप भी फरमाती है कि मैंने ऐसा जमील बच्चा नहीं देखा। इसी बीच अब्दुल मुत्तलिब जो आपके दादा जान है, आप तशरीफ लाते हैं, आप कहते हैं कि मैंने ऐसा जमील बच्चा नहीं देखा। बिलाखिर मेरे रब की रहमत को जोश आता है, मेरा अल्लाह फरमाता है जिब्रील जा, मेरे नबी की मदद सराई हो रही है, अल्लाह के मेरे नबी की तारीफ और तौसीफ हो रही है। जिब्रील अमी आते हैं, तशरीफ लाते हैं और जिब्रील अमी कहते हैं आमना तू कहती है मैंने ऐसा हसीन बच्चा नहीं देखा। हलीमा सादिया आप कहती है मैंने ऐसा खूबसूरत बच्चा नहीं देखा। बाबा जी आप कहते हो मैंने ऐसा जमील बच्चा नहीं देखा। अरे आप लोगों ने क्या देखा, ये थोड़ी सी दुनिया, ये थोड़े से इलाके, ये थोड़ा सा जमाना, मुझसे पूछो। मैंने तो हजरत आदम को आसमानों पर प्रवास करते हुए देखा। अरे मुझसे पूछो, मैंने तो हजरत इब्राहिम अलैहि सलातो व सलाम को आग में कूदते हुए देखा। अरे मुझसे पूछो, मैंने तो हजरत मूसा को कोहे तूर पर रब से बातें करते देखा। अरे मुझसे पूछो, मैंने तो हजरत ईसा को मुर्दों को जिंदा करते हुए देखा। अरे मुझसे पूछो, मैंने तो उसे भी देखा, वो कत्ता नहीं दिया हुन्ना, जिसे देखने वाली अपनी उंगलियां तराश लेती थी। बिलाखिर मेरा रब फरमाता है वरफाना लका जिक्रत। इसीलिए किसी ने कहा था कि माँ की आंखों में जब अश्कों का गुहर लगता है तब कहीं काबे की दीवार में दर लगता है। माँ की आंखों में जब अश्कों का गुहर लगता है तब कहीं काबे की दीवार में दर लगता है। और धूप कितनी ही कड़ी हो कोई परवाह नहीं, बाप का सर पे हो साया तो शजर लगता है। धूप कितनी ही कड़ी हो कोई परवाह नहीं, बाप का सर पे हो साया तो शजर लगता है। और शेर यूं सुनिए कि जिसके आंगन में नहीं होती है माँ की खुशबू, जिसके आंगन में नहीं होती है माँ की खुशबू, वो अगर ताजमहल भी तो खंडर लगता है, वो अगर ताजमहल भी तो खंडर लगता है। और अली भाई ये शेर सुनिएगा, कुरान की आयत उफिल लकुमा, उसी से मुस्तार ये शेर के पांव फैलाओ में कैसे
मेरी माँ के आगे, पाँव फैलाऊं मैं कैसे मेरी माँ के आगे, मुझको कुरान की तौहीन से डर लगता है, मुझको कुरान की तौहीन से डर लगता है। और शेर आखिर यूं है कि रोक लेता है बलाओं को वो अपने ऊपर, रोक लेता है बलाओं को वो अपने ऊपर, माँ का आंचल मुझे जिब्रील का पर लगता है। रोक लेता है, रोक लेता है बलाओं को, रोक लेता है बलाओं को वो अपने ऊपर, माँ का आंचल मुझे जिब्रील का पर लगता है। माँ की आंखों में जब अश्कों का गुहर लगता है, तब कहीं काबे की दीवार में डर लगता है। अल्लाह नबी का जिक्र होता है तो बिगड़ी बात बनती है। माजिद भाई बहुत खूबसूरत आदमी है, आप जरिए जरा सा मेरा भाई ये झमेला खत्म कर दो यार, आखिरी वक्त है। अब तो हम लोग बिल्कुल इंशाल्लाह मैदान फतह करने के दहाने पे खड़े हैं। नबी का जिक्र होता है तो बिगड़ी बात बनती है, बगैर उनके कब किसी की कोई औकात बनती है। और कोई कुछ भी करे ईमान काबिल हो नहीं सकता, नबी के मोहम्मद की गुलामी में मुकम्मल जात बनती है, मोहम्मद की गुलामी में मुकम्मल जात बनती है। और मुझे फिरकों से क्या मतलब, मुझे मसलक से क्या लेना, मेरी तो हर गुलामे मुस्तफा के साथ बनती है। मुझे फिरकों से क्या मतलब, मुझे फिरकों से क्या मतलब, मुझे मसलक से क्या लेना, मेरी तो हर गुलामे मुस्तफा के साथ बनती है, मेरी तो हर गुलामे मुस्तफा के साथ बनती है।